कलर्स टीवी पर टेलीकास्ट होने वाले सुपरनेचुरल सीरियल नागिन सीरीज को लेकर अब सामने आई है एक बड़ी खबर। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जल्द ही नागिन वापसी करने वाली है छोटे पर्दों पर। जी हाँ, जैसा कि आप सबने देखा ही होगा नागिन 3 के लास्ट एपिसोड में कि बेला यानी नागरानी का हो जाता है पुनः जन्म, वहीं माहिर भी मिहिर बनकर दोबारा जन्म लेते हैं। जैसा कि नागिन के प्रोमो में दिखाया गया है, आप सभी जानते हैं कि नागिन 4 का प्रोमो रिलीज हो चुका है। नागिन 4 के पहले एपिसोड में क्या होगा, उस श्रावणी यानी नागरानी की दोस्त विशाखा गद्दार निकली और अब विशाखा कौन सी नई खतरनाक चाल चलेगी नागमणि को हासिल करने के लिए, और नागमणि को हासिल करने के लिए कौन कौन से विलन की वापसी होगी। साथ ही 50 पूर्णिमा पूरी होने पर श्रावणी पर कौन सा खतरा आने वाला है। नागिन 4 के सबसे पहले एपिसोड में आप देखेंगे कि श्रावणी को सबसे पहला और बड़ा झटका तब लगेगा जब 50 पूर्णिमा पूरी होने के बाद उसी की ही बेस्ट फ्रेंड यानी विशाखा उसी को ही सबसे बड़ा धोखा देगी, और विशाखा के पास नागमणि आ जाने के बाद वह कौन से वंश से है इस पर से भी पर्दा उठ जाएगा, और नागमणि को हासिल करने के लिए विशाखा की ही नहीं बल्कि सारे विलन्स की वापसी होगी। और वहीं आपको पता चलेगा कि 50 पूर्णिमा रात्रि के बीच जाने के पश्चात जिस खुफिया शिवजी के मंदिर में श्रावणी ने त्रिशूल घुसाकर सुमित्रा यामिनी तामसी और शीशा को मारा था, वही जगह इन लोगों की पत्थर की मूर्ति में से काली शक्तियां निकलेंगी और इनके काली शक्तियों की वजह से इनकी वापसी होगी। और चौंका देने वाली बात तो यह होगी कि 50 पूर्णिमा यानी 2 साल 2 रात के बाद आपको श्रावणी और मिहिर का बच्चा भी देखने को मिलेगा। नागमणि को हासिल करने के लिए श्रावणी के कई सारे दुश्मन मिहिर और श्रावणी के बच्चे पर हमला करने की कोशिश करेंगे, लेकिन नागरानी श्रावणी के आगे ये सारी कोशिशें नाकाम होगी। नागमणि की रखवाली करने के लिए श्रावणी नई नागरानी किसे बनाएगी, यह जल्द ही पता लगने वाला है। अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।